हम एक हफ्ते से बाहर हैं और ये हमारे घर एक हफ्ते का पूरा सामान। अब हम घर बैठ रहे हैं गाड़ी में और अपने घर जा रहे हैं। एक्चुअली अभी भी अपने घर नहीं जा रहे हैं ना। तो आप लोगों को सिल्विया पता ही है, सिल्विया का बर्थडे था और फॉर सम रीज़न मैं उसके बर्थडे पे नहीं जा पाई। तो सिल्विया का जो घर है वो बीच में ही पड़ता है हमारे, लाइक शबिश गुमन जाने के बीच में और जहाँ हम हैं वहाँ। तो देन उन लोगों से मिलते हुए एंड देन हम शबिश गुमन जाएंगे फाइनली एक हफ्ते बाद। Still alone since you left me, nothing has been the same. There's no time for regrets, but I remember how I slept in your chest. Deepak is saying ye mohalla acha hai. Dekho yaar kitna acha dikh raha hai yaar piche. Mere ko nahi jana shopish phobish ko. Oh my god. आप लोग बताओ फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा आपको? शबिश गुमन तो देखा ही है आपने, ये ज़्यादा अच्छा। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो नहीं लिया, एक बार जब हम लोग फाइनली शिफ्ट हो जाएंगे तो लेंगे, पर अभी कैसा लगा बताना जितना भी दिख रहा है आपको। चलो चढ़ पाओगे? कौन? नहीं नहीं अभी तो नहीं चढ़ पाऊंगी, पर हाँ एक दिन जरूर चढ़ूंगी। सिंगन की गलियां, रतनाम की गलियां, कहाँ घूम रहे हो तुम? सिंगन की गलियों में। और मैंने तो मैजिंगन दीपक जब ऐसे मतलब सिर्फ देखने के लिए आते हैं तो हम सिर्फ वही जगह देखते हैं जो लोगों ने हमें बोला होता है। obviously. कभी हमने ये सोचा ही नहीं था कि मैक्सिंगन वही है जो आउटलेट सिटी के बाहर नहीं झांकता इंसान, जो फेमस है बस वो घूमो और चलते बनो। obviously. मौसम कितना अच्छा है आज, है ना? धुंध है भले लेकिन टेम्परेचर सही है। हमारे इंडिया में ऊटी में होता है टेम्परेचर उस टाइप का है, तो धुंधला दिख रहा है पर इतना ठंडा नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। वाओ दीपक, so finally we will live in some big city. अभी छोटी सिटी में रहते थे, हर वीडियो में बोलती थी हम छोटी सिटी में रहते हैं, छोटी सिटी। ये भी उतनी बड़ी सिटी है। तो हमारे यहाँ जो शबिश गुमन है उसमें 65,000 लोग रहते हैं और यहाँ 90,000, पर इसके आसपास बहुत अच्छी सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, लाइक 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो इसको भी थोड़ा बड़ा ही कंसिडर किया जाता है, पर अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इतना नहीं है। Just come.
रहे हो? हमारी गाड़ी पीछे देखो, कुकर तवा छल्ली सब लेके घूम रहे हैं। आ जाइए आज टमाटर धनिया आ रही है जल्दी। भाई जो चीज नहीं मिलती। तो हम पहुंच चुके हैं जुसन में। देखो इस बार मैंने बिल्कुल सही बोला। एंड देख लो भाई बाहर तन बांधे। ये क्या है? चाय की पत्ती। चाय बनाएंगे। मैंने थोड़ी थोड़ी पी पी ये तो खोल ही नहीं रहा है। ओए सही घर है ना? ये तो अलग सा दिख रहा है। बस पागल। हेलो जी, चाय की पत्ती। और क्या हाल चाल यार? बढ़िया फर्स्ट क्लास। तू क्यों चाय के पीछे पड़ी है? वो खाना नहीं खाएंगे कि चाय पिलाने पे? मैंने कहा आपको नहीं पता क्योंकि ना मुझे सिल्वेंट द मशरूम। ये छुप गई। कह रही सिल्विया कहां है यार? वेयर इज माय गर्ल? सिल्विया को उठाए 2 मिनट में। अच्छा अभी उठी? 2 मिनट पहले उठी है और रेडी है। कहां पे? यहां पे इस दरवाजे के पीछे छुप रही है। उधर है सब मीर को रेडी करते हैं पीछे। हां सिल्विया को देख के उसको गाने देखो क्या चल रहा है। You're already nine. Nine. You're six. Now she's taller. This is nine. No, now Sylvia because I Sylvia. It's a nine, Sylvia. It's not a six. Sylvia. Sylvia. I missed your birthday. I missed cake today. Sylvia, forget the gaane. Suno, bhaiya. You start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sylvia. Happy birthday to you. Yay! Very good. And who will blow the candle? Now blow the candles also, Sylvia. Okay. First time. Wow. And now Sylvia can eat. Now blow the candle, Sylvia. Wow. Cry once again. Wow. Yeah. Wow. So that's so beautiful. Thank you too. Thank you too. Thank you. It's thank you to all the viewers. Jingle bell on your birthday. Hey, what is happening there? संडे निकले थे और आज सैटरडे रात हो गई। ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया और वो है हमारा शहर। अब हम वहाँ पहुँचेंगे फाइनली और अपने घर के दर्शन करेंगे। मिसिंग होम था या नहीं था? मेरा तो था, दीपक का तो था, मेरा तो इतना मुझे मतलब आई एम लाइक वेरी अडेप्टेबल पर्सन तो इतना समझ नहीं आया।
बट या आज हम लोग घर जाके एक चाय पियेंगे और मस्त रिलैक्सिंग मूवी देखेंगे। बस हमारा दो काम है। हमारा जो घर है वो अभी भी नहीं पहुंचा, तो सबसे कल संडे है और सामान आज ही लेना पड़ेगा और 8 बजे सब बंद हो जाएगा। तो अभी हम लेडे लाए और दूध बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर पे बिल्कुल भी नहीं है वो लेके एंड देन फिर घर। तो अभी भी घर नहीं पहुँचे गाइस, एंड आई थिंक इट विल टेक अनदर 15 से 20 मिनट्स और मोर देन दैट। ना हाँ, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा फिर सामान निकाल कर डालना है। लाइफ इज बिजी। फाइनली हम लिफ्ट में और इतना सारा सामान उठाते हुए कैसा लग रहा है दीपक? बिग बॉस के घर जा रहे हो क्या? बिग बॉस के घर आ रहा हूँ। तो गाइज अब चलो अंदर घुस के फिर बात करते हैं, बिकॉज हम लोगों को अभी भी बहुत सारे सामान उठाना। बाय बाय। गाइज इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक हफ्ते हमारा जो टाइम था वो ऐसे निकला एंड घर पहुंचते ये सारी चीजें हुई, पर आगे की बहुत सारी कहानी मूविंग सीरीज में बची हुई है जिसमें हम घर देखने जाने वाले हैं और आपको मैटसिंगन और उसके आसपास का एरिया दिखाने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? तो अभी के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। Since you left me, nothing has been the same. There's no time for regrets, but I remember how I slept in your chest.